सर आपने हाल ही में थिएटर ओनर्स की मांग मान ली थी कि राज्य ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी बहुत हैप्पी है कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है एंड लोग अभी डर रहे हैं कि नहीं अभी, लेकिन हाँ तो अब हमारी तो 3 पिक्चर रेडी बनकर बैठी है तो सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किल ये है कि वैसे ही बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर, तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस के वजह से बंद हो चुके हैं, तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिजनेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ थिएटर्स के अलावा, तो एक कैच 22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैसे ही देख लो आप सब नॉर्मल घूम रहे हैं, और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आए देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो सैनिटाइज वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है, प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स का कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा, तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, और दुआ है कि 2021 और 2022 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल।